हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है एनसीसी यानी नेशनल कैडेट क्रोप्स, राष्ट्रीय कैडेट कोर। ठीक है दोस्तों, इसके पहले मैं बहुत सारे संगठन जो आपके एग्जाम पॉइंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है के बारे में डिटेल में बता चुकी हूँ। इसे आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक की बात करूंगी एनसीसी के बारे में। तो एनसीसी की स्थापना जो है एनसीसी की स्थापना जो है 15 जुलाई 1948 ईस्वी को हुआ था। और एनसीसी का मोटो जो है एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। और इस एकता और अनुशासन मोटो को 12 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया। ठीक है, ये हुई भारत की बात। और हम वैश्विक स्तर पर एनसीसी की स्थापना देखेंगे तो वैश्विक स्तर पर एनसीसी की स्थापना 1966 ईस्वी में जर्मनी में हुआ। अब मैं बात करूंगी एनसीसी के झंडे के बारे में। एनसीसी का झंडा जो है, जो फौज के लिए प्रयुक्त झंडा था, उसी झंडे को 1951 में अपनाया गया। ठीक है, जो फौजों के लिए प्रयुक्त झंडा था, उसी झंडे को 1951 में अपनाया गया। और अंतर सिर्फ इतना था कि फ्लैग के बीच में एनसीसी का बैच लगा हुआ था। ठीक है, लेकिन बाद में 3 रंगों वाला झंडा 1954 में अपनाया गया। ठीक है, तो 1954 में 3 रंगों वाला झंडा अपनाया गया, जिसमें से आसमानी, नीला और लाल था। ठीक है, तो आसमानी जो है वायुसेना के लिए, नीला जल सेना के लिए, लाल थल सेना के लिए, यानी तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग प्रतीक चिन्ह बनाया गया। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है कि एनसीसी का झंडा कितने रंग का होता है, 3 रंग का, कौन कौन से कलर का, कि आसमानी, नीला और लाल। ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि एनसीसी की स्थापना कब हुई, 15 जुलाई 1948 को, उसका मोटो क्या है, एकता और अनुशासन यानी डिसिप्लिन, उसको लागू कब किया गया, 12 अक्टूबर 1980 को, वैश्विक स्तर पर इसकी स्थापना कब हुई, 1966 जर्मनी में, और इसके झंडे में कितने रंग होते हैं, तो आसमानी, नीला, लाल, इसको कब 3 रंगों वाला झंडे को कब अपनाया गया, तो 1954 में आसमानी वायुसेना के लिए, नीला जल सेना के लिए, लाल थल सेना के लिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगी कि 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर के नाम से छात्रों के लिए योजना चलाई गई, जिसका ध्येय था छात्रों को सेना के लिए तैयार करना। ठीक है, इतना तो हम बात जान लिए। अब मैं बात करूंगी कि एनसीसी की स्थापना कैसे हुआ और किसने किया, इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। ठीक है, तो क्या हुआ था कि स्वतंत्रता के बाद पंडित हृदय नारायण कुंजरू, पंडित हृदय नारायण कुंजरू को आप जानते होंगे, जैसा कि इनके नाम पर कुंजरू समिति की स्थापना किया गया था 1959 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो वही पंडित हृदय नारायण कुंजरू ने विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में एनसीसी संबंधी संस्था खोलने की सिफारिश यानी एक प्रस्ताव रखा, और इस प्रस्ताव को एक रिपोर्ट के तहत इन्होंने एक रिपोर्ट में 5 दिसंबर 1947 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत की अपनी बात को। ठीक है, तो इन्होंने 5 दिसंबर 1947 को सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, और जिसे गवर्नर जनरल के सहमति प्रदान। ठीक है, तो उनकी रिपोर्ट पर गवर्नर जनरल ने सहमति दे दी और 15 जुलाई 1948 में एनसीसी का गठन किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एनसीसी का गठन पंडित हृदय नारायण कुंजरू द्वारा 15 जुलाई 1948 में किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि एनसीसी की स्थापना किसके द्वारा हुआ, तो पंडित हृदय नारायण कुंजरू के द्वारा। ठीक है, अब मैं कुछ एनसीसी के संबंध में बात करूंगी। जैसे कि एनसीसी ने 1949 ईस्वी महिलाओं के लिए गर्ल्स डिवीजन का गठन किया था। ठीक है, और 1950 में एयर विंग का गठन किया, और 1952 में नावल विंग का गठन किया, और 1965 में और 1971 में इंडो पाक वार यानी कि इंडिया पाकिस्तान के युद्ध में एनसीसी ने सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का कार्य किया। तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है, बट इसकी स्थापना कब हुआ था, किसने किया था, मोटो क्या है, झंडा में कितने कलर होते हैं, कब अपनाया गया झंडे को, ठीक है, तीनों कलर किसके लिए होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों,
इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एनसीसी की स्थापना कब हुआ था, तो 15 जुलाई 1948 को, उसका मोटो क्या था, तो एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और 12 अक्टूबर 1980 को मोटो को लागू किया गया, और वैश्विक स्तर पर स्थापना कब हुआ था, तो 1966 जर्मनी में, और इसके झंडे को कब बनाया गया, तो तीन तीन रंगों वाला झंडा, तो 1954 में, कौन कौन से कलर होते हैं, आसमानी, नीला, लाल, और आसमानी वायुसेना के लिए, नीला जलसेना के लिए, और लाल थलसेना के लिए, और इस एनसीसी की स्थापना किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, पंडित हृदयनारायण कुंजरू के द्वारा, 15 जुलाई 1948 में। तो ये सब क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। तो दोस्तों ये था एनसीसी के बारे में, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपके मन में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे आपके माध्यम से उन तक भी ये वीडियो पहुँच सके। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।